लाहौर से आपको अहम खबर से आगाह करें। लाहौर में रेस कोर्स पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रेस कोर्स पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बड़े नुकसान से बचा लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर से आज मुसल्ला अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे थे 10 पिस्टल और भारी तादाद में गोलियां भी बरामद की गई है। इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद है वसीम साबिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रेस कोर्स पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। मैं बताता चलूं कि रेस कोर्स पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े नुकसान से बचा लिया है। इन सादे दहशतगर्दी कोर्ट के बाहर 8 मुसल्ला अफराद जो है वो खड़े थे, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो पहरा दिए हुए। मुलजमान के कब्जा से जो है वो 10 पिस्टल बरामद कर लिए गए हैं और भारी मकदार में गोलियां भी बरामद की गई हैं। मुलजमान में जो है वो मैं बताता चलूँ की अमीर है, हमजा है, शहरयार है, अलियास है, आरिफ है, अली मोहम्मद है, सुल्तान है, अरशद है, उस्मान है और वलीद के अलावा मुदस्सर भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक रेस कोर्स पुलिस ने जो है वो खुफिया कार्रवाई पर जो है वो यहाँ पे जो है वो छापा मारा तो 8 मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। मुलजमान के हवाले से थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि ये तमाम मुलजमान जो है वो उजरती कातिल है और दहशतगर्दी कोर्ट के अंदर आए हुए एक मुलजम पेशी पर जो है उसको मारना चाहते थे, जो कि खुफिया इतला पुलिस को मिली। तो पुलिस ने छापा मारकर 8 मुल्जमान को गिरफ्तार करके जब उनकी जामा तलाशी ली तो उनके कब्जा से 10 जो है वो बलैती पिस्टल जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। तमाम मुल्जमान को जो है वो रेस कोर्स पुलिस स्टेशन की अदालत में बंद कर दिया गया है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर तफसीलात से आगाह करने के लिए।